जी, ये सिंक्रोनस काउंटर्स तो हम पढ़ रहे थे। अब उसमें हमने एक स्टेज, दो स्टेज, तीन स्टेज के बारे में पढ़ा। अब मॉडुलस का मतलब ये होता है कि आपने जो जितनी स्टेज का काउंटर बनाया है वो आपको कितनी आउटपुट्स प्रोवाइड कर सकता है। काउंटर है जाहिर है, अगर आप सिंगल एक फ्लिप फ्लॉप लेते हैं तो वो आपको दो मॉडुलस का रिजल्ट दे सकता है, उसमें दो स्टेट्स आ सकते हैं, क्योंकि वो आपको जीरो दे सकता है, वन दे सकता है। अगर आप दो फ्लिप फ्लॉप को सीरीज में जोड़ेंगे तो वो आपको मॉडुलस फोर की आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि आप उसमें जीरो, वन, टू और थ्री, ये चार नंबर आप उसमें काउंट कर सकते हो। जब आप उसकी वेव फॉर्म बनाएंगे और उसकी बाइनरी स्टेट्स को आप पढ़ेंगे तो आप उसमें चार नंबर्स को पढ़ सकते हैं। इस तरह अगर आप तीन फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे तो उसमें आप आठ नंबर्स को कर सकते हैं। वो आठ नंबर कैसे होंगे, जीरो से लेकर और सेवन तक आप उसमें नंबर काउंट कर सकते हैं। इस तरह जब चार का बनाएंगे तो वो आपके पास 16 स्टेट्स आपको प्रोवाइड कर सकता है, तो उसको हम मॉडुलस 16 कह देंगे। अब यहाँ पे डिकेड काउंटर है और वो कहता है कि आपने इसको मॉडुलस 10 का बनाना है, कि आपने इसमें 10 नंबर्स काउंट करने हैं जो कि बीसीडी कोड के लिए होंगे। बीसीडी कोड जाहिर आपको पता है, जीरो से लेकर और नौ तक के जो डिजिट्स हैं इनको हम बीसीडी कोड्स कहते हैं। इनके जब आप बाइनरी कन्वर्ट करेंगे उनको तो वो आपके पास बीसीडी कोड्स होंगे, आपके पास जीरो से नौ तक के डिजिट के। ठीक है जी, उसको बनाने के लिए जाहिर है अब हमें कितने बिट्स चाहिए। आप जब बीसीडी कोड लेते हैं तो वो हमेशा 4 बिट का होता है, और आपको पता है एक फ्लिप फ्लॉप जो है वो 1 बिट की आउटपुट रिप्रेजेंट करता है। जब आपके पास 4 बिट का नंबर होगा तो वो आपको 4 फ्लिप फ्लॉप जो है वो आपको वहां पे लगाने पड़ेंगे। उसकी वजह ये है, अगर यहाँ पे देखें तो जीरो जो है वो आपको ये दिखा रहा है, 0 0 0, और 9 नंबर जो है 1 0 0 1 ये आपको शो करवा रहा है। इसमें ये वन मैक्सिमम बिट है और ये आपके पास लोएस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ठीक है जी, अगर आप 3 बिट्स करेंगे तो आप मैक्सिमम 7 तक शो करवा सकते हैं, नंबर 8 और नंबर 9 जो है वो आप इसमें कोई शो नहीं करवा सकेंगे। तो 8 और 9 को शो करवाने के लिए आपको चौथी बिट जो है वो उसमें ऐड करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि आपको 4 फ्लिप फ्लॉप जो है वो सीरीज में जोड़ने पड़ेंगे, जो आपको 0 से लेकर और 9 तक बाइनरी कोड्स को काउंट करके देंगे। अब आप वो कैसे जोड़ेंगे, ये डायग्राम आप देख लें। इसमें ये फ्लिप फ्लॉप 1 2 3 और 4 आपने जोड़े हुए हैं, जोड़े नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप हैं। जोड़ने का तरीकाकार वो ये है कि हर फ्लिप फ्लॉप की जो इन्वर्टेड आउटपुट है उसको आपने इनपुट बना देना है। सबसे पहले इन्वर्टेड आउटपुट को आपने सबकी इनपुट बना दिया, और उसके बाद जो आपकी आउटपुट है क्यू नॉट, उसको आपने क्यू इसके अगले जो F1 है उसकी क्लॉक के साथ जोड़ दिया, Q1 को FF2 की क्लॉक के साथ जोड़ दिया, Q2 को FF3 की क्लॉक के साथ जोड़ दिया। जबकि जो आप एक्सटर्नल क्लॉक देंगे वो आपने जो FF0 है उसके साथ आपने इसको जोड़ दिया हुआ। यहां तक आपके पास एक सिंपल वो बन जाता है जो कि काउंटर है, जो कि आपको 0 से लेकर और 15 तक, 0 0 0 0 से लेकर 1 1 1 1 तक का जो कोड है उसको आपको उसकी आउटपुट प्रोवाइड करेगा, यानी कि उसमें 16 कोड्स आ जाएंगे और ये 16 मॉडुलस होगा। लेकिन हमने इसको बनाना है जो कि 10 तक काउंट, यानी कि 10 कोड्स हमें काउंट करके दे बीसीडी कोड्स को। अब वो बीसीडी कोड्स होंगे 0 0 0 0 से लेकर 1 0 0 1 तक के, ये 0 से लेकर 9 तक के जो आपके पास नंबर है। इसका मतलब ये कि जैसे ही उससे अगली काउंटिंग आए 10 1 0 1 0 जैसे ही आपके पास अपेयर हो तो इसको टर्मिनेट कर जाना चाहिए दोबारा 0 पे, क्योंकि 9 के बाद अगर आप एक रिंग बनाए तो दोबारा 0 आना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद फिर 0 आना चाहिए ताकि ये काउंटर अपनी गिनती जो है, अपनी काउंटिंग जो है उसको दोबारा 0 से शुरू करे और सिर्फ इन बीसीडी कोड्स के दरमियान अपना रिंग बनाए और यहाँ पे अपनी काउंटिंग को रिपीट करता रहे। तो इसका मतलब ये है कि 10 का जो आपके पास काउंटिंग है वो यहाँ नहीं आनी चाहिए, जो कोड है 10 के अगेंस्ट वो यहाँ पे अपेयर नहीं होना चाहिए। अब 10 का कोड आपको पता है, ये आपके पास जो Q3 है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, क्यू नॉट आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। आपके पास जो 10 का कोड होगा वो होगा 1 0 1 0। अब अगर आप देखें Q3 और Q1 जो है 10 के लिए ये दोनों 1 हो जाते हैं, जबकि Q2 और Q0 जो है ये दोनों 0 रहते हैं। तो हमने बेसिकली जब ये 10 यहाँ अपेयर होना है उस टाइम इन तमाम डिवाइसेस को क्लियर करवाना है। क्लियर करवाने का मतलब ये है कि इन तमाम डिवाइसेस को आप रीसेट कर दें, क्यू नॉट भी 0 हो जाए, क्यू 1 भी 0 हो जाए, क्यू 2 भी और क्यू 3 भी फोर्सफुल 0 हो जाए,
ताकि ये 10 का डिजिट जो है ये उसको अपेयर ना होने दें। उसके लिए Q3 को आपने, जब ये 1 होता है इसको एक NAND गेट से, और Q1 को भी आपने NAND गेट से जोड़ दिया। अब अगर आप देखें, जब ये 1 होगा और ये 1 होगा तो NAND गेट की आपके पास इनपुट 0 प्रोड्यूस होगी। वो 0 जब आप इन तमाम क्लियर इनपुट को प्रोवाइड करेंगे तो ये जाहिर है एक्टिव लो इनपुट्स हैं, तो जैसी लो इनपुट मिलेगी ये एक्टिव होंगी और फोर्सफुली इन तमाम बिट्स को, ये तमाम आउटपुट्स को क्या करेंगी, जीरो कर देंगी। तो इसका मतलब ये है कि 9 के बाद जैसे ही डिवाइस 10 अपेयर करना चाह रही होगी, जैसे ही 10 अपेयर होगा फौरन से ही आपके पास डिवाइसेस क्या होंगे, 10 अपेयर करने से पहले पहले डिवाइसेस इनको जीरो पे ले जाएंगे दोबारा से, तो जीरो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें पहले क्लिक, इससे पहले आप देखें तो ये Q3 0000, ये 0001, 0010, 0011, ये आपके पास 3 तक आ गया। ये आपका 4 का कोड है, 5 का कोड है, 6, 7, 8 और ये 9 का कोड आ गया। अब 9 के बाद यहाँ पे आपके पास 10 का कोड आना चाहिए, ठीक है। जैसे ये पल्स अपेयर हो इस स्टेज पे, इस एरिया में आपके पास 10 का कोड अपेयर होना चाहिए। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इसको हाई जाना चाहिए। जैसे ही 10 का कोड अपेयर हुआ इसने अपने ट्रांजिशन लो से हाई की तरफ शुरू की, लेकिन फौरन से NAND गेट ने 0 प्रोवाइड करके तमाम डिवाइसेस को रीसेट कर दिया क्लियर के जरिए से, तो ये फौरन से अप जाके फिर वापस आ गई और ये 0 हो गई। अब इसमें ये आउटपुट वैसे ही 0, ये जो ऊपर जा रही थी ये भी 0 हो गई, इसने 0 रहना था, और ये जो हाई पे थी ये भी 0 हो गई। हालांकि इसने आगे हाई पे रहना था अगले 8 उसके लिए है, यानी कि सिग्नल्स के लिए इसने हाई पे रहना था, लेकिन ये क्या हो गई, ये भी फोर्सफुली 0 हो गई। अब यहाँ पे देखें ये 9 का कोड है, और उसके बाद इस जगह पे जहाँ 10 का कोड होना चाहिए था, डिवाइसेस को फोर्सफुली हमने क्या कर दिया, दोबारा 0 कर दिया। जब 0 कर दिया, अब इससे अगले में क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0 रहेंगे, तो दोबारा आपके पास ये काउंटर जो है वो अपनी 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 काउंटिंग जो है वो दोबारा शुरू कर देगा। तो इसलिए इसको डिकेड काउंटर कहते हैं, कि ये डिकेड काउंटर है जो कि अपनी आउटपुट जो है वो 0 से लेकर और 9 तक के जो BCD नंबर है उनके अगेंस्ट जनरेट करता है आपके पास जो आउटपुट्स होंगे, ठीक है जी। इस तरह आप किसी भी कोड का जो है वो आपसे अगर पूछा जाए तो आप यहाँ पे बना सकते हैं काउंटर। ये तो 10 का बनाया, आप जरा 10 का कोड लिया, जहाँ कोड था उसके अगेंस्ट आपने वहाँ 1-1 के अगेंस्ट NAND गेट लगा दिया। अगर आपको इसके अलावा कोई कोड कहा जाए, 10 का कोड के अलावा 11 का कोड कह दिया जाए, 12 का कह दिया जाए, 13 का कह दिया जाए, तो आपने उसका क्या करना है, उसकी जो बाइनरी नंबर है उसको देखना है, जहाँ पे 1-1 होगा आपने उस 1-1 को जोड़ना है और NAND गेट के साथ क्या कर देना है। यहाँ पे आपके पास 2 1-1 थे, बाकी 2 0 थे, 0 को जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो 2 1 थे उसके आपके पास आउटपुट NAND गेट 0 होगी। अच्छा, जितने इनपुट होंगी, NAND गेट की खासियत ये, जब तक वो सारी 1-1 नहीं होंगी उस वक्त तक ये 0 प्रोड्यूस नहीं करेगा। इनमें से कोई एक भी अगर 1 रही, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1 आउटपुट जनरेट करता रहेगा, और क्लियर आपके पास इनपुट्स जो है ये 1 पे कभी भी एक्टिव नहीं होंगे। जब ये 1 पे एक्टिव नहीं होंगी तो आपकी डिवाइसेस जो है ये अपने जो रेगुलर उनकी वर्किंग है वो रेगुलर वर्किंग करती रहेंगी। सिर्फ उस वक्त जब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, उस वक्त आप अगर यहाँ पे वो लगाएंगे, यानी कि ये लो हो जाएगी, तो क्लियर एक्टिव होंगी और एक्टिव होने के बाद इसको 0-0 कर देंगे। अगर आपके पास किसी कोड में 3 1s आ रहे हैं, ठीक है, फर्ज करें आपने जनाब 13 के ऊपर इसको टर्मिनेट करवाना है, ठीक है, 13 के ऊपर देखें तो ये 8 और उसके बाद ये वाला 4 8 4 12 और ये वाला 1 13, तो आप Q3 Q2 और Q0 को इकट्ठा करके 3 इनपुट वाला NAND गेट लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे। अब क्या होगा, जब तक तीनों इनपुट्स आपकी 1 नहीं होंगी उस वक्त तक इसकी आउटपुट 0 जनरेट नहीं होगी। तो ये बेसिकली NAND गेट इंतजार करता रहता है कि वो कोड अपेयर हो जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया, ये जाहिर है कि डिकोडर के तौर पे काम करता है ना, कि ये कोड यहाँ अपेयर हुआ है तो उसके बाद वो आउटपुट अपने लो कर देगा, अदरवाइज बाकी के लिए क्या करेगा, ये अपनी आउटपुट हमेशा हाई रखेगा। जैसे हमने डिकोडर के चैप्टर में हमने ये चीज पढ़ी थी, डिकोडर की खासियत पढ़ी थी, तो सिर्फ एक कम्बिनेशन के लिए अपनी आउटपुट लो करता है और उस पर ये क्लियर एक्टिव होता है और डिवाइस को रीसेट कर देता है, उसके बाद डिवाइस दोबारा 0 से अपनी काउंटिंग जो है वो शुरू कर देती है।